इसके साथ धुआं देते हैं, धुआं देके ना फिर मक्खी कुछ नहीं गई थी, फिर आराम से हो जाती है कुछ टाइम के लिए। अब मैं धुआं दिए ना फिर खामोश होगी कुछ टाइम। रानी से सबा सा, ये जो है ना ये फरकदानी है, इसमें हम जो है ना इस तरह फरक डालते हैं, फिर ये इधर से उठा के आगे पीछे फरक सब कीजिए। देखो मुझे काट लिया, ये फरकदानी है इसकी, इसको पकड़ कहीं काट ले गया। शेखा तू आ जा, इसके साथ जो है ना जो फ्रेम फंसा हो ना वो सारा कर ले। ये सबसे पहला फ्रेम, पहले फ्रेम में जो है ना ये गर्दा होता है, देखो मैंने आपको बताया ना उधर मोबाइल आने से करे, ये पीले पीले नज़र आ रहे हैं, ये जुआर मकई से लाते हैं, ये देखो ये पीला पीला नज़र आ रहे हैं, ये इसका गर्दा है, इससे बच्चे बनाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद जो है ना बच्चे वाले फ्रेम होते हैं, अब ये देखो इससे कुछ बच्चा है कुछ बच्चा निकला हुआ है, देखो नज़र आ रहे हैं कुछ नया है कुछ पुराना है। बुढ़िया पोष का ये जो है ना सफ़ेद फ्रेम, ये नए फ्रेम है, मतलब हमने ये पिछले सर्दी में बनाए, ये पुराने हैं, दो साल पुराने तकरीबन। सख्त सारे उछल, ये जो है ना नज़र आ रहे हैं, ये पहले अंडे देती, मतलब जिस तरह देखो इसमें अंडे है, ये देखो अंडे नज़र आ रहे हैं, ये अंडे से फिर ये बन जाती है, फिर इसके बाद ये बन जाते हैं सुपर कवर कर लेते हैं। चम्मल का जगह आपको मलका पे कौन सा फ्रेम होती है? मलका बस जिधर भी होती है सारे फ्रेम में इधर उधर फिर दिए आवारा गर्द कर दिए। अब ये देखो इसमें ये स्टॉक जमा किया है इन्होंने डर जाता, आजकल माशाल्लाह गर्द ज़्यादा है ना मौसम में, आजकल बच्चे ज़्यादा बना रहे हैं। अब आप रानी जिक्र, ये जो है ना ये रानी जिक्र ये नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर ये पानी पानी, ये ताज़ा खुराक है, मतलब जो ताज़ा खुराक ले आती है ना ये इसमें पहले डाल दी, फिर इधर से उठा के इधर डाल दी, देखो ऊपर देख फर्क है, इधर डाल लेती है फिर ताज़ा खुराक पहले नीचे फिर ऊपर, ऊपर जो है ना ये स्टॉक जमा कर लीजिए, स्टॉक अपने लिए हर पेटी में 9 या 8 फ्रेम होते हैं, 8 फ्रेम एक खुराकदानी। फारूक साहब देखो ये सारे बच्चे ये कवर किया हुआ है, ये कुछ दिनों मैंने करा जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें आपको बीमारी दिखाऊंगा, माचिस पी लीजिए आवाज़ से गंदी सर खराब हो रहा, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बच्चा जो है ना ये ख़राब हुआ है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, आ जा ये देखो मैंने वो बीमारी निकाल दी ना, बाकी वो खाना साफ कर रही नजर आ रहा है, ये देखो ये इसकी बीमारी है, ये जो है ना इसमें मलका बन दीजिए, ये खाना नहीं इसको कहते हैं कैंसल, क्या इसको कैंसल बोलते हैं, कैंसल ये जो नाम है, अच्छा जी ये है, ये पकड़ कुछ नहीं कहती पकड़। तो ये थी हमारी मालूमात मक्की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल का एक घंटी को दबाओ, ठीक है जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे फार्म पे तशरीफ लाए और हमेशा तशरीफ लाते रहे और एक दो तीन मक्खी आपको काटेंगी तो आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। मैंने कहा था खुर्दी की, मैंने ये भी सुना है कि ये जो मक्खी जब काटे ना तो फिर इंसान को कैंसर भी नहीं आता, बीमारी मलका किधर है, एक मिनट में बनाओ समझ रहे ना, नजीकला
ये नजर आ रहे हैं, ये बड़ा, ये सबसे बड़ी मक्खी है, इसको मलका बोलते हैं। ये मतलब एक पेटी में एक होती है मलका, इसके अमर पे, इसके ऑर्डर पे ये सारी मक्खी काम करती है। ये जब मक्खी पेटी में ना हो ना तो ये बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कहते। ये चीचा पे और काट लूँ, काट ला बीमारी नहीं होगी, फिर सोच ले तो बस ये थी हमारी मक्खी की मालूमात। हमने फारूक साहब को कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, इन्होंने कहा था कि हमें मक्खी की, मेरे क्लास कि हमें मालूमात दे थोड़ा कुछ, तो हमने इनको मालूमात दी। फारूक साहब इधर दे भाई, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ बनकर।